प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत फार्मासिस्ट मध्य प्रदेश राज्य के गठन से अभी तक वेतन एवं विसंगति एवं अन्य समस्या को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। फार्मासिस्टों द्वारा प्रदेश में कार्यरत फार्मासिस्ट संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 5 दिसंबर को प्रातः 10 बजे इंकलाब मैदान भोपाल में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन दर्ज कराकर शासन को अपनी समस्याओं के संबंध में ध्यान आकर्षित करेंगे। ये प्रदेश व्यापी धरना है, कितना लोग काम इसमें अपने 2 से 3 हजार फार्मासिस्ट जो है शामिल होने का है। पूरे प्रदेश में हम लोग 3 से 4 हजार फार्मासिस्ट हैं सर, सब अपने उसमें DHS के लोग आ गए, चिकित्सा शिक्षा, अपने जेल वाले, ESI वाले, ये सारे जो फार्मासिस्ट जहाँ जहाँ कार्यरत है वो सब अपने साथ में। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजवाड़ा के क्षेत्र में कायाकल्प शुरू हो चुका है। 24 घंटे के नोटिस के बाद आज सुबह लगभग 8:30 बजे निगम का अमला राजवाड़ा पहुंचा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बड़ी संख्या में निगम कर्मियों को मौके पर देखकर सारे व्यापारी विरोध करने पर उतारू हो गए। व्यापारियों ने परिवार सहित सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। व्यापारियों के विरोध के कारण 2 घंटे तक कार्रवाई टलती रही, लेकिन बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और व्यापारियों को खदेड़ दिया। कुछ व्यापारियों को सांकेतिक तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया गया। और जो अधिकृत रूप से हैं यदि उनको विस्थापित किया जाएगा तो रूप में जहाँ पर बिल्कुल अभी आप देखोगे ये जो पूरा वैभवशाली बिल्डिंग है, जो प्राचीन बिल्डिंग है, इंदौर शहर के पुरातत्व से इतनी महत्वपूर्ण संरचना है, अभी आप देखें बड़े दूसरी धारकों ने यहाँ इसके मेन गेट ही दबा दिए थे। मेन गेट हम जाके निकल के आ रहे हैं जब हम गूगल कर रहे हैं, इतनी दुकानें सब इसमें 3600 पक्की दुकानें हैं, लगभग 100 के आसपास दुकान है। 24 दिसंबर को खंडेलवाल वैश्य पंचायती सभा के चुनाव होने जा रहे हैं। गुरुवार को अशोक खंडेलवाल की अगुवाई वाली संत सुंदरदास पैनल के सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। इस दौरान सभी ने शहर को स्वच्छ रखने की शपथ भी ली। संत सुंदरदास पैनल में अध्यक्ष पद के लिए अशोक खंडेलवाल दावेदार है, वहीं उनके अलावा पैनल के 21 प्रत्याशी भी शामिल है। इंदौर में लागू धारा 144 के विरोध में युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए संभाग आयुक्त कार्यालय पर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शासन इस धारा का सहारा लेकर सत्ताधारी लोगों को फायदा और कांग्रेस को दबाने का काम कर रही है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भिलाई महापौर देवेंद्र यादव ने किया और अगर जल्द इस धारा को लेकर जरूरी निर्देश जारी नहीं किए गए तो युवक कांग्रेस को प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। पूरे मध्य प्रदेश आज तो देश के अंदर ही ये हालात हैं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हालात हैं, पूरे जगह भाजपा प्रशासनिक आतंकवाद के माध्यम से लोगों को तकलीफ दे रही है, आम लोगों की आवाज़ को उठने नहीं दे रही है। लोकतंत्र के खिलाफ ये एक साजिश है भाजपा की पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। तो हर जगह लगभग हम लोग इस तरह के आंदोलन प्रदर्शन प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं।